के खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। ये साजिश का मुझे पहले पता था और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। तो पहले जरा गौर से सुने मैं क्या किया। नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। तो आप मुझे सवाल पूछता हूं अपनी अतिया से, कौन इस मुल्क के इदारों की हिफाजत करेगा? बंद कमरों में मुल्क के अंदर और बाहर मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। इमरान खान का सियालकोट जलसे से खिताब, बोले कि वीडियो रिकॉर्ड करवा के महफूज जगह पर रख दी है, मुझे कुछ हुआ तो वीडियो सामने आ जाएगी। वीडियो में साजिश प्लानिंग करने वाले एक एक का नाम है। वीडियो इसलिए बनवाई कि मुल्क का निजाम इंसाफ ठीक हो। अदलिया से सवाल करता हूं कि कौन इस मुल्क की हिफाजत करेगा? आपके सामने मुल्क की तबाही हो रही है। एक लियाकत अली खान असैसिनेटेड, जियाउल हक असैसिनेटेड, बेनजीर भुट्टो शहीद असैसिनेटेड। ये हमारी हिस्ट्री है, हमारे लीडरान की। सो इमरान खान साहब अगर आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, सो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। इसको ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि इमरान खान साहब ने कहा है और हुकूमत ये समझे कि जी ये कोई टैक्टिक्स खेल रहे हैं, इट शुड नॉट बी टेकन लाइक दैट। इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली। कौन लेगा इसको? लेना चाहिए सीरियसली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी है और उन्होंने उसके अंदर कहा है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। सो इसका मतलब ये है कि जो सोर्स है इमरान खान साहब के पास वो मौजूद है। कैपिटल टीवी के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी ने कैपिटल टीवी से बात करते हुए कहा कि आज इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो इसको इजी नहीं लेना चाहिए। इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है तो इसका मतलब है कि सोर्स इमरान खान के पास है, तारीख हमारे सामने है, इस मामले की हाई लेवल पर तहकीकात होनी चाहिए। काबीना वजीर आजम एमकेएम के अल्ताफ हुसैन जो थे वो वहां पे सेंट्रल कमेटी को, वहां पे राबता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में। ये नया अल्ताफ हुसैन पैदा हुआ है, इसने वजीर आजम और काबीना को ही वहां बुला लिया कि मेरे पास आ जाओ लंदन में। मुल्क में इस वक्त दो वज़रा आज़म और दो वज़रा खारजा हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ही नहीं है। नौ रोज में डॉलर की कीमत 15 रुपए बढ़ चुकी है, स्टॉक मार्केट 3500 पॉइंट्स गिर चुकी है। ऐसे हालात में मईशत पर कोई फैसला मुमकिन ही नहीं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि पंजाब में जाली वज़ीर आला है, काबीना का कोई अता पता नहीं, ये खुद चर्च की जमीन पर कब्जा कर चुके। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी चर्च की जमीन पर बनी हुई है। बेहतर है कि हम इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो यूनिफाई होकर इंतखाबात की तरफ अपना जोर लगाएं। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त इंतखाबात की तरफ ही जाना चाह रहा है। पाकिस्तान के इदारों को भी इस वक्त इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो हमारे, मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त कोई खुद मुख्तार या आज़ादाना फैसले कर रहा है कि जी आर्टिकल 63 जो है वो लागू नहीं होएगा। लोटाक्रेसी भी आप कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी मैं 90 दिन में इंतखाबात भी नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है मैंने सारे फैसले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही देने हैं। तो ये ऐसे तो नहीं ये मुल्क चल सकता। दुनिया की कोई तहरीक हथकंडों से नहीं रोकी जा सकती। आज की हरकत बुजदिली जाहिर करती है। पहले भी कहा था कि इलेक्शन मसले का हल है, इम्पोर्टेड हुकूमत का इज्जत से जाने का इरादा नहीं है। हमाद असर की मीडिया से गुफ्तगु, बोले कि जिस ग्राउंड में हमें जलसा करने से रोका गया, नून लीग वहां जलसा करती रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की खुददारी को तबाह किया, लोग इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें। आज
वाजिया करना चाहती हूँ, ये हकूमत का और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था। ये मसला मसीही बरादरी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान था, जो कि 9 मई को बता दिया गया था। बार बार ये बात डीसी की तरफ से बताई जा रही थी कि मसीही बरादरी अपने अहाते में अपने चर्च के ग्राउंड पाकिस्तान की सियालकोट की तारीख में कभी भी चर्च के ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई, ये उनकी इबादत गाह है। आप बराए करम अपना जलसे की जगह जहां आपने झूठ बोलने हैं, इंतशार फैलाना है, गाली देनी है, जो आप करना चाहते हैं वो किसी और जगह शिफ्ट कर दें। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इमरान खान के जलसों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप किस हक से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का सवाल। बोलिंग के खूनी मार्च करना जमहूरी हक नहीं, हकूमत खूनी मार्च से बचाना जानती है। महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान साहब आप हैं, आपने मुआशी तबाही की और आज महंगाई की बातें कर रहे हैं। आवाम इनके झूठ सुन सुन कर थक गई, मगर ये झूठ बोलते नहीं थकते। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह का इमरान खान की तकरीर पर रद्दे अमल, बोले कि इमरान खान की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी, इमरान खान के पास बताने के लिए कुछ नहीं था तो अपने कत्ल का शोशा छोड़ा। इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश की वीडियो फराह गोगी के पास रखी है। इमरान खान पाकिस्तान की मईशत के लिए क्राइसिस पैदा कर रहा है, चाहता है कि हों। इमरान खान इस मुल्क में सिविल वॉर करवाना चाहता है। इमरान खान अपने जलसों में अपने लोगों को ये कह रहा है कि मुखालफीन के साथ तुमने क्या क्या करना है। इमरान खान लोगों को उकसा रहा है कि आप गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े करें, और इमरान खान धमकियाँ दे रहा है। हम सबको बातिल और अपने आप को हक बताता है। इमरान खान हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहा है, और सिर्फ वो शख्स हुब्बुल वतन है, मोहिब वतन है, जो इमरान खान के झूठ के साथ खड़ा है। इमरान खान हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये मुल्क में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं, लोगों को गली मोहल्लों में लड़ाई पर उकसाया जा रहा है। इमरान खान के चाहने वाले शऊर नहीं रखते, इनको पागल ही कहा जा सकता है। वज़ीर सिंध सईद गनी का तंज, बोले आज एस्टेब्लिशमेंट सियासत से निकल रही है तो हम यही चाहते थे, हमारी जिद्दोजहद ही ये रही कि एस्टेब्लिशमेंट खुद को सियासत से निकाले। बुज़दार की हुकूमत नहीं थी, ये पीटीआई की हुकूमत थी। इमरान न्याजी इस सूबे को रूल कर रहा था, वो हर हफ्ते आता था, वो आईन शिकनी करके वफाक की हुकूमत सूबे के ऊपर जी धोसता था, और उसने सूबे का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान उस्मान बुज़दार पंजाब को बर्बाद करके चले गए, तमाम शहरों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, अस्पतालों में अद्वियात नहीं, नहरों में निज़ाम ख़राब हो चुका, इन्होंने तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। रहमान नून लीग वैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि सेहत कार्ड से मुझ जैसा अमीर भी इलाज करा सकता है, कार्ड से सिर्फ गरीब का इलाज होना चाहिए, मईशत को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मसाइल हल करेंगे। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्के, पेट्रोली मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी को मरहलावार खत्म करके कीमतें बढ़ाए जाने का इम्कान, ओग्रा ने पेट्रोली मसनूआत पर बढ़ती हुई सब्सिडी से आगाह कर दिया। सारी सब्सिडी खत्म करें तो फी लीटर पेट्रोल 195 रुपये का हो जाएगा, मुकम्मल सब्सिडी खत्म करने से डीजल 230 रुपये तक पहुँच सकता है। मार गई महंगाई, अवाम की शामत आई, खाने पीने की चीज़ें मुसलसल महंगी, आटा चीनी दाल चावल घी चिकन की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल में 4 रुपए फी किलो का इजाफा, दाल को तड़का लगाना भी मुहाल बन गया, चिकन कहीं 450, कहीं 500 तो कहीं 700 रुपये तक फरोख, अवाम नई हुकूमत में भी रिलीफ की मुंतजर। ये हमला
ना सिर्फ इन इंडिविजुअल्स पे हुआ है, ये हमला पाकिस्तान और चीन का दोस्ती पे भी हुआ है और ये अब हर पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है कि हम इंशाल्लाह ताला इस कॉज को और इस इशू को ऐसे प्रस्यू करेंगे जैसे हमारे भाई बहनों पे ऐसे कोई हमला हुआ हो। पाकिस्तान और चीन का लाजवाब रिश्ता है जो कभी कमजोर नहीं होगा। कराची में होने वाली दहशतगर्दी में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा, दोस्ती के दुश्मनों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि गुज़श्ता दहाई में मजहब के नाम पर दहशतगर्दी की गई, बलोच भाइयों से ज़्यादतियों का बहाना बनाकर दहशतगर्दी की गई, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान वफात पा गए। शेख खलीफा के इंतकाल पर मुल्क में 40 रोजा सोग, 3 रोजा आम तातील का ऐलान। शेख खलीफा अबू ज़ैबी के अलबतीन कब्रिस्तान में सपुर्द ख़ाक। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म समेत सियासी और अस्करी क़यादत का शेख खलीफा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेख खलीफा बिन ज़ैद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए दुबई जाएंगे। वज़ीर आज़म ताज़ियत के लिए UAE जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का UAE सफारतखाने का दौरा। बिलावल भुट्टो ने अमाराती सदर खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीरे आला सिंध का UAE कौंसलेट का दौरा। मुराद अली शाह की UAE के कौंसल जनरल से मुलाकात। वज़ीरे आला सिंध का शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कहते हैं कि मरहूम की आलम इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात हैं। शेख खलीफा ने UAE में मुआशी बहरान के दिनों में बड़ा किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर बहावलपुर का दौरा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के मोराल और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने मेंटेनेंस सहूलियात और पेशा वाराना तरक्की के रिसोर्स सेंटर का भी दौरा किया। नैब की बाज़ अखबारात की खबरों पर वजाहत जारी। नैब एलामी के मुताबिक नैब न 4 साल से किसी दबाव में था, न लाया जा सकता है। नैब आइनों कानून के मुताबिक फराइज की अदायगी पर यकीन रखता है। मौजूदा नैब क़यादत के दौर में 1405 मुलजिमान को सजाएं हुई। मजारबा केस में एहतसाब अदालत ने मुलजिमान को 10 अरब रुपये जुर्माना आयद किया। नैब इंसदाद बदनवानी का एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। आमिर लियाकत हुसैन का हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान। आमिर लियाकत का ट्वीट, कहते हैं कि तीसरी अहलिया के साथ चल रहे तनाज़े पर पाकिस्तान की सरजमीन से आखिरी बयान जारी करूंगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान से चला जाऊंगा। वाज़े रहे कि कुछ रोज़ पहले आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक ने खुला के लिए अदालत से रजू किया था। वियतनाम के दारुल हुकूमत में 31वीं साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में डांस, म्यूजिक और मकामी फनकारों की परफॉर्मेंसेज। 11 ममालिक से तकरीबन 5000 खिलाड़ी
इवेंट में शरीक। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का रिटायरमेंट का ऐलान, बोले कि अब दस्ताने उतारने का वक्त आ चुका। अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि ऐसा हैरत अंगेज करियर मिला। लेजेंडरी बॉक्सर का ट्वीट।